9 अगस्त, आज से ठीक एक साल पहले 2022, बता दें कि 9 अगस्त का दिन तेजस्वी यादव के लिए बेहद ही खास दिन है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर के तेजस्वी यानी कि आरजेडी के साथ आने का फैसला किया था। आज ही के दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसका ऐलान हो गया था। एक साल पूरे हो चुके हैं महागठबंधन की इस सरकार को, आज 9 अगस्त है और आज तेजस्वी यादव के लिए ये दिन बेहद ही खास है और काफ़ी यादगार भरा रहेगा। इस एक साल में महागठबंधन की सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई बार इस सरकार की फजीहत भी देखने को मिली, लेकिन आज एक साल इसका पूरा हो चुका है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ये एक साल पूरा किया और क्या कुछ जो निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है वो देखने को मिले। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी गणेश, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीते एक साल में गणेश किस तरीके से नीतीश तेजस्वी को कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई बार फजीहत हुई मंत्री को लेकर के, विभाग के अधिकारी को लेकर के, लेकिन आज फाइनली नीतीश तेजस्वी की सरकार ने एक साल पूरे कर लिए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सना, देखिए जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच जो सह माह की खेल चल रहा था वो 9 अगस्त 2022 को ख़त्म हुआ और दोनों साथ आए और इस ऐलान के साथ बीजेपी से नीतीश दूर हो गए। और आलम यह है कि देखिए 9 अगस्त को जो पिछले साल फैसला लिया गया था उसका असर ये हुआ कि अब आज 9 अगस्त की अगर हम चर्चा करें तो आज देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बन गया है। 7 दलों के गठबंधन के साथ महागठबंधन बनी थी 9 अगस्त को, 7 दलों ने नीतीश को समर्थन किया था, नीतीश को छोड़ के 5 दल थे, एक दल तो नीतीश कुमार के साथ आए थे जितना माझी जी फिलहाल नहीं है, तो 7 दलों की एक गठबंधन बनी थी और राज्यपाल से मिलकर ये कहा गया था कि सरकार जो एनडीए की चल रही है अब आगे नहीं चलेगी, नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, ऐलान हो गया था महागठबंधन की। और फर्स्ट बिहार ने ही सबसे पहले यह खबर, बिहार की सियासत की खबर बिहार के लोगों तक तो पहुँचाई थी और सबसे पहले इस बात की चर्चा हुई थी कि बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो सरकार अब गिरने वाली है, नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ये चर्चा चली थी। और सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी उस वक्त थे शशिभूषण, उन्होंने तमाम खबरें अपडेट की थी और शशिभूषण ने उस वक्त एक एक अपडेट दिया था। आज एक साल हो रहे हैं और एक साल में देखिए किस तरीके से चीज़ें बदली, सरकार में परिवर्तन हुआ, सरकार में कई नए चेहरे आए, कई पुराने चेहरे बदले गए हैं, बीजेपी जो नीतीश की गुणगान कर रही थी अब नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, नीतीश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले में साथ थे वो आज विरोध में है। नीतीश कुमार ने देश के स्तर पे नीतीश कुमार विपक्ष को लेकर एक मुहिम शुरू की है। 9 अगस्त को जब बैठक हो रही थी तब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की फिजिकल कोई मुलाकात नहीं हुई थी, केवल तेजस्वी सूत्रधार थे, तेजस्वी ने पूरी प्लानिंग की थी, तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया था और तेजस्वी अपने सहयोगियों को, उस वक्त तेजस्वी यादव के सहयोगी वामदल हुआ करते थे, कांग्रेस हुआ करती थी, इन सभी लोगों को एकजुट कर उनको मनाने में तेजस्वी खुद लगे थे। और आज के दिन 10 सर्कुलर आवास पे काफ़ी गहमागहमी थी तो इधर एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास में भी जेडीयू के नेताओं के बीच माथापच्ची चल रही थी, सब सोच रहे थे कैसे फैसला, किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, कैसे महागठबंधन की सरकार बने। दूसरे तरफ जब यह पूरा प्रोसेस चल रहा था तो बीजेपी की बेचैनी भी दिख रही थी, बीजेपी के जो नेता थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। बिल्कुल गणेश, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब नीतीश कुमार का ये फैसला आया उससे पहले कई बार ये देखा गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तारीफ जो इनडायरेक्टली करते नजर आ रहे, तो यहाँ पर जब नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि वो अब बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो किस तरीके से बीजेपी को उस वक्त झटका लगा, क्योंकि उससे पहले बीजेपी ने ये सोचा नहीं होगा शायद। बिल्कुल सना, आपने कहा कि जब ये तमाम बातें हुई उस वक्त एक चीज़ सबसे अहम है, आज देखिए वो अमली जामा भी सरकार ने पहनाया, जातीय जनगणना का मुद्दा था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव दिल्ली ले गए, ये बात तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि तेजस्वी यादव के कहने पर हम लोग पहुँचे, विधानसभा में बातचीत हुई, इसके बाद सभी सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें तमाम डेलीगेशन के लोग पहुँचे, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर, इन लोगों के कहने पर हम यहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद पटना में जब बैठक होने वाली थी
तो तेजस्वी अकेले गए थे मुख्यमंत्री आवास में बैठक के लिए और कहा गया था कि ये औपचारिक मुलाकात जातीय जनगणना के मुद्दे पर है, बिहार सरकार के फैसले को लेकर। लेकिन बंद कमरे में जातीय जनगणना की चर्चा हो रही थी और बाहर फर्स्ट बिहार झारखंड के पास ये खबर निकल के आई कि ये बात जातीय जनगणना नहीं बल्कि अब जो बंद कमरे में बातें हुई है उससे बिहार में कोई नया सियासी समीकरण तलाशा जा रहा है। और उसके कुछ दिनों के बाद ऐलान हो गया कि जो बंद कमरे में बातें हुई थी, तेजस्वी यादव जब बात करने गए थे उसके बाद यह फैसला हुआ कि अब बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार होंगे और तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त का जो दिन है वो बेहद खास है तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि यह सरकार एक साल के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, राजद के ऊपर ओथ लेने से लेकर सरकार चलाने तक आज के दिन तक मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जैसे राजद सत्ता में आई उनके लोग, उनके आवास, उनके करीबियों के यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों का छापेमारी हुआ, जांच हुआ और कहा गया तेजस्वी यादव के द्वारा, राजद के द्वारा, कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं है। आज भी कमोबेश यही चला, राजद जेडीयू के बीच भी कई मुद्दों पर खींचतान हुआ और नतीजा कि राजद ने कुर्बानी दे दी अपने दो दो मंत्रियों की। और हाल में स्थिति एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, 9 अगस्त आज, 10 अगस्त ओथ के दिन, अब शपथ ग्रहण की बात चल रही है, दूसरी तरफ फिर से कैबिनेट विस्तार की बातें हो रही है। तो एक साल निकल गया तेजस्वी यादव की जिम्मे कई विभाग हैं, मंत्रिमंडल में शामिल राजद कांग्रेस और तमाम जो उस वक्त भी गणेश जब कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, कई मंत्री को लेकर के उस टाइम भी काफी विवाद हुआ था। जिस तरीके से विधि मंत्री बनाया गया था कार्तिक मास्टर, उनको भी लेकर काफी विवाद हुआ। उसके बाद देखा गया कि सुधाकर सिंह को लेकर के काफी विवाद हुआ और आखिरकार ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कई ऐसे चेहरे जो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, सबसे पहले विवाद वहां से शुरू हुआ और बीजेपी ने सबसे पहले मुद्दा ये बनाया था। सर देखिए, जहाँ तक कहें कि पहली सरकार जो विवादों की सरकार रही, सरकार के शपथ से ही विवाद शुरू हुआ जी। बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया, राजद और जेडीयू ने यह कहना शुरू किया कि एक्चुअली बीजेपी ने कहा कि नीतीश को अब दाग अच्छे लगने लगे हैं। जिस जांच पे, जिस सीबीआई की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई पर नीतीश ने 2015 में तेजस्वी का साथ छोड़ा था, उसी कार्रवाई पर फिर साथ क्यों है जी। तब आरजेडी चुप थी लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे थे कि हमने देख लिया है पिछले साल की जब हम अलग हुए उसके बाद से क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई हुई, यानी जब जब ये सत्ता में आते हैं, हमारे साथ आते हैं तो इनको डराने की कोशिश होता है और हमें भी दिग्भ्रमित किया जाता है। ये जेडीयू का वर्जन था और यही वजह है कि नीतीश और ललन सिंह बार बार ये कहते रहे कि इन लोगों को फंसाने की साजिश की गई थी और हम लोग एक बार उनके जाल में फंस चुके हैं, अब नहीं फंसेंगे। लिहाजा तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम राजद और कुनबे पर जब एक्शन लेती रही तो नीतीश और ललन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही जेडीयू ने कोई एतराज जताया, बल्कि जेडीयू खुलकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के, लालू परिवार के पक्ष में खड़ी रही। और यही वजह है कि आज देखिए कि 7 दलों का गठबंधन आज 26 दलों के गठबंधन के रूप में दिख रहा है देश भर में। नीतीश, लालू, तेजस्वी ने जिस मुहिम की शुरुआत पटना से की थी अब वो देश भर में हो रहा है। 7 दलों का गठबंधन था, गठबंधन से ठीक पहले पटना में एक बैठक थी जिसमें 6 दल हुए लेकिन उसमें 16 दल शामिल हुए और बेंगलुरु की बैठक में 26 दल और महाराष्ट्र की बैठक होने वाली है। एक साल में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तय कर ली और बीजेपी भले ही अपने आप को इस गठबंधन से कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बीजेपी के अंदर की बेचैनी इस कदर है कि जब जब विपक्ष की बैठक होती है बीजेपी अपनी तैयारी मजबूत कर लेती है। तो बीजेपी को इस गठबंधन से जो खतरा है वो तो मंडरा ही रहा, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने तय कर लिया कि अगर एक साल का सफर अगर हमने शुरू किया है तो एक साल पहले की जो रणनीति है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल खैर वो देश की बातें होगी लेकिन हम बात कर रहे थे बिहार की इस ना। तो बिहार में एक साल सरकार के हो चुके हैं, आधिकारिक तौर पर घोषणा कल होगी क्योंकि कल 10 अगस्त है शपथ ग्रहण के दिन, लेकिन आज ही बीजेपी से नीतीश अलग हुए थे और नीतीश ने इसका ऐलान किया था और 10 सर्कुलर और मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक
आज की तारीख काफी गहमा गहमी वाली। बिल्कुल गणेश, जब बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ा, एक धोखा मिला, उसके बाद बीजेपी भी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। गणेश, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मोर्चा संभाला और पूरे बिहार भर में घूम घूम के ये कहते फिरते नजर आते हैं कि पलटू राम है और जितनी बातें हो सके, यहाँ तक कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है नीतीश कुमार को कि मेमोरी लॉस में मुख्यमंत्री, यानी कि बीजेपी जो है अब पूरी तरह से खुल करके, जब एनडीए की सरकार थी तो भले बीजेपी चुप रहती थी, नीतीश कुमार की कमियों को गिनाती नहीं थी, लेकिन जब बीजेपी अलग हुई है तो उन्हें भी मौका मिल गया, अब वो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बोलने से चूक नहीं रही है। बिल्कुल सना, तो भाजपा को कह सकते हैं कि बीजेपी को जो सदमा लगा जी, जो झटका लगा, नीतीश कुमार ने जो झटका दिया, उसका असर अभी भी दिखता है कि बीजेपी पहले खामोश हो गई, वो समझ नहीं पाई कि ऐसे हालात में क्या करें हम, किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया जाए, तो बीजेपी कुछ दिन तक समझ नहीं पाई, फिर संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए, बिहार बीजेपी के तमाम उन चेहरे को किनारे कर दिया गया जो सॉफ्ट नीतीश कुमार के लिए हुआ करते थे। नीतीश कुमार के खिलाफ फायर ब्रांड नेताओं को आगे किया गया, नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने उनको आगे किया जो नीतीश को जमकर उनके सामने कोसे, और शुरुआत सदन से हुई। जब पहली बार सदन में नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हाउस में पहुंचे तो बीजेपी की तरफ से उनको बताई गई कि आपने कैसी गलतियां की हैं, और ये सुनकर नीतीश भी थोड़ा सा अवाक रह गए थे, और फिर कई सारी बातें हुई थी और बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन आज नीतीश कुमार के लिए मुश्किल सीधे तौर पर दिख रही थी बीजेपी के तौर पर, और आज भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को वो तंज कसती है, पलटू राम का टैग नीतीश कुमार पर लग गया है। बिल्कुल, वो उसके साथ ही अब नीतीश कुमार की उम्र को लेके बातें होती है, उनकी सोचने की शक्ति पर बातें होती है, उनके याददाश्त पर बातें होती है, तो कई सारी बातें होती है। फिलहाल नीतीश और तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन की सरकार है वो खींचतान करते हुए तमाम विवादों के बीच एक साल पूरी कर ली, और अब आगे जो है नीतीश और तेजस्वी की जो महागठबंधन की सरकार है जो आगे चल रही है, उसकी अगली रणनीति नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में दिखने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। तो हमने चर्चा की और जाना कि किस तरीके से पिछले एक साल में नीतीश तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने बिहार में अपने एक साल पूरे किए, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और कई तरह की जो चीजें, कई आरोप जो है वो भी लगे, जहां एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता रहा, लगातार ईडी सीबीआई की रेड देखने को मिली, तो वहीं नीतीश कुमार को भी पलटू राम और जो मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री वो कहा गया। बहरहाल आज नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने एक साल अपने पूरे कर लिए, अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे जब बड़ी मुहिम में नीतीश कुमार लग चुके हैं, 2024 मिशन है, और किस तरीके से 2024 में केंद्र से मोदी सरकार को हटाना, इस पर नीतीश तेजस्वी जो है वो पूरी तरह से लग चुके हैं, तो क्या कुछ फलसफा है वो देखने को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें कि 9 अगस्त आज का दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम दिन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media, 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details, 9304755035 or 9304755037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.